हाँ जी, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, क्योंकि यही बेस है। माजी आपको समझ में आ गया, जुमले की कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई आपको, तो आगे आप फिर मुजारे पढ़ेंगे, यानी हाल और मुस्तकबिल पढ़ेंगे और मजीद अफाल पढ़ेंगे, तो सिर्फ रेफरेंसेज मैं इनके दिया करूँगा, बाकी ये चीज़ें इस उम्मीद के साथ कि आपको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो मैंने आपको एग्जाम्पल लास्ट में दी थी, उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रखूंगा कि जब जुमला फेलिया में आपका फाइल इस्म जाहिर होता है तो फेल हमेशा वाहिद आता है, चाहे फाइल आपका वाहिद हो, मुसन्ना हो या जमा हो। उसकी जमा की एग्जाम्पल एक आपके सामने आ गई थी, और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रखता हूँ। छोटे छोटे जुमले मैं बोलता हूँ, आपने मुझे बताने हैं। जलासा क्या तर्जुमा होगा? वो बैठा, जलासा वो बैठा, जलासा वो दोनों बैठे, जलासू वो सब बैठे, जलासत वो बैठी, जलासाता वो दोनों बैठी, जलसना वो सब बैठी, वो बैठी। ठीक, छह जुमले आपके सामने मौजूद हैं। इन छह के छह जुमलों में आपका फाइल जमीर की सूरत में मौजूद है। ठीक, इसमें वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर, मुसन्ना मुजक्कर गायब की जमीर, जमा मुजक्कर गायब की जमीर, वाहिद मोनस गायब, मुसन्ना मोनस गायब और जमा मोनस गायब। अब मैं इसको जाहिर करना चाहता हूं। आदमी बैठा, जलासर रजुलू, आदमी बैठा, जलासर रजुलू, दो आदमी बैठे। हाँ जी, दो आदमी की अरबी क्या होगी? मुसन्ना। फिर आ गया वाहिद, मुसन्ना बनाने का तरीका रजुलुन से रजुलानी। ठीक है, तो ये आपका फाइल है हालत रफा में, अब जाहिर हो गया तो फेल वाहिद इस्तेमाल होगा, फेल जलासा ही इस्तेमाल होगा, जलासर रजुलानी, दो आदमी बैठे। फिर अगर काफी आदमी बैठे हों तो जलासर रिजालू, रजुलुन रजुलानी रिजालुन, उसकी जमा मुकसर इस्तेमाल होगी। अच्छा, औरत बैठी, एक औरत बैठी, चले ये भी एक फर्क और ध्यान में आ गया। देखिए यहां आर रजुलू मैंने इस्तेमाल किया आदमी बैठा, अगर मैंने कहना होता ना कि एक आदमी बैठा या कोई आदमी बैठा तो फिर वो नकरा मार्फा वाला चक्कर वो भी जहन में होगा, जलासा रजुलुन। ठीक है, कोई दो आदमी बैठे जलासा रजुलानी, और कुछ मर्द बैठे जलासा रिजालुन। अब मैं कह रहा हूं एक औरत बैठी, जलासत इमरातुन, अभी नकरा, कोई औरत बैठी, ठीक है आप खबर देते हैं कोई औरत बैठी थी वहां, तो जलसत इमरातुन, कोई दो औरतें बैठी, फेल आपका वाहिदी लगेगा, जलसत इमरा तानी, और कुछ औरतें बैठी, जलासत निसाओ। क्लियर हो गया जी? जुमला फेली में जब आपका फाइल इसम जाहिर होता है तो फेल हमेशा वाहिद इस्तेमाल होता है, मुजक्कर मोनस का ख्याल रखा जाता है। इसमें एक चीज आपको आज इंशाल्लाह ताला पता चलेगी कि ये रिजालुन और निसाउन ये जमा तो है, कौन सी जमा है? जमा मुकसर है। ठीक है,
जमा मुकसर के हवाले से ये मैंने एग्जांपल इसलिए आपको दिया कि हमने बिल्कुल सादा तरीके से इसको लेके चलना है। पहले कुछ टेक्निकल चीजें आज ही आपके सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको फिर ये बताऊंगा। एग्जांपल मैंने इसलिए दिए, मेंशन मैं करूंगा कि यहां पर हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी और होगी, यानी आपका फाइल का जमा मुकसर होना या जमा सालिम भी हो सकता है डेफिनेटली। जैसे मैं कहता हूं कि मुसलमान आया, मुसलमान बैठा चले, जलासल मुस्लिमू, जलासल मुस्लिमानी, जलासल मुस्लिमूना, जलासा तिल मुस्लिमातु, जलासा तिल मुस्लिमतानी, जलासा तिल मुस्लिमातु। ठीक, तो आपका फाइल जमा मुकसर भी हो सकता है, जमा सालिम भी हो सकता है। अब अगर जमा मुकसर होगा तो एक खास चीज आपके सामने आएगी, वो इंशाल्लाह तआला हम उसको स्टार्ट करने लगे। इस पॉइंट को आपने बहुत ध्यान में रखना है। लेकिन जुमला फेलिया का अहम तरीन कायदा फिर मैं हेडिंग दे रहा हूं ऊपर, जुमला फेलिया में जब आपका फाइल इस्म जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आता है, चाहे फाइल वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, अलबत्ता जिन्स का लिहाज रखा जाता है। ये बात आपने इसी को मजबूती से पकड़ लेना, इसी बात को। ठीक, मुजक्कर फाइल है, मुजक्कर फेल इस्तेमाल करें, मोनस फाइल है, मोनस फेल इस्तेमाल करें। इस लेवल पे आपने ये काम करना है। अच्छा, दूसरी बात इसमें, अगर आपका फाइल गैर आकिल की जमा मुकसर हो, गैर आकिल की जमा मुकसर, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि फाइल हमारा जमा हो सकता है, जमा की भी दो अकसाम हमने पढ़ी थी, जमा सालिम और जमा मुकसर। ठीक है, अगर आपका फाइल जमा मुकसर हो, लेकिन शर्त क्या है, गैर आकिल की, गैर आकिल की जमा मुकसर हो अगर आपका फाइल, तो फिर फेल हमेशा मोनस इस्तेमाल होता, वाहिद आएगा ही आएगा, लेकिन जिन्स के एतबार से आप उसे मोनस लाएंगे। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपने एक ऊंट बैठा हुआ देखा, ठीक है, एक ऊंट बैठा, इसकी अरबी क्या होगी, जलासा। ऊंट किसे अरबी में कहते हैं, जमल। जलासा जमल, दो ऊंट बैठे। मैं अब उर्दू नहीं लिख रहा, वक्त बचाते हैं, जलासा जमलानी, कोई दो ऊंट बैठे, वो एक ऊंट बैठा था, नकरा लाया था मैं, यहां भी मैं उसको नकरा लाया हूं, कोई दो ऊंट बैठे थे, ठीक है, जलासा जमलाने, ऊंट कुछ ऊंट बैठे। अब देखें, अब हमने जो कायदा पढ़ा उसके अतबार से हम ऊंट को मुजक्कर मानते हैं ना, ऊंट है मुजक्कर ही है जाहिर है, तो हम इस्तेमाल करेंगे इस लेवल पे जलासा जमालून, ठीक, यही करेंगे ना, लेकिन अरबी जुबान में गलत हो। गलती क्या होगी, अगर आपका फाइल गैर आकिल की जमा मुकसर है, जमा मुकसर या आकिल की होगी या गैर आकिल की होगी, आकिल की थी तो एग्जांपल आपके सामने आ गई थी, रिजालुन हमने लगाया था ना, जलासा रिजालुन मैंने आपको कहा था, वो चूंकि आकिल की जमा मुकसर थी लिहाजा हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमने मुजक्कर के लिए मुजक्कर लगाया, मोनस के लिए मोनस लगाया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आपका फाइल गैर आकिल की जमा मुकसर है, जब गैर आकिल की जमा मुकसर आपका फाइल हो जाएगा तो फिर फेल आप मुजक्कर नहीं इस्तेमाल कर सकते बल्कि मोनस इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही जुमला क्या बनेगा, जलसत जी मालूम। और कुरान मजीद में ये चीज आपको बहुत मिलेगी, जहन रखिएगा, बहुत जगह पर आपको एग्जांपल मिलेंगी, फिर आपके जहन में ये आएगा कि फाइल तो हमारा मुजक्कर था लेकिन फेल मोनस क्यों लगा, तो फिर ये पॉइंट आपके सहन में आएगा, अच्छा अच्छा ये अब फाइल जो है हमारा ये गैर आकिल की जमा मुकसर है इसलिए फेल मोनस इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ दो बातें आप ये याद रख लें तो आपका इंशाल्लाह ताला फेल कवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नंबर एक,
अगर आपका जुमला फेलिया में फाइल इस्म जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आता है, जिन्स का लिहाज रखा जाता है, मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मोनस के लिए मोनस। आपने मैक्सिमम जुमले जो ट्रांसलेट करने हैं वो इसी उसूल के तहत करने हैं। सिर्फ एक आपने फर्क रखना है, आप देखें कि अब आपका फाइल गैर आकिल की जमा मुकसर बन गया, आपका फाइल गैर आकिल की जमा मुकसर बन रहा है, तो उसके लिए आप फेल जो है वो मुजक्कर की बजाय मोनस इस्तेमाल करें। बस ये एक चीज, ये दो पॉइंट्स आपको याद रहे तो आपका जुमला फेलिया इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल। क्लियर है जी यहां तक? इसको पक्का कर लें, क्योंकि अब चार चीजें मैं आपको मजीद बताने लगा हूं, और वो चार चीजें आपने सिर्फ समझनी है, आपको बेशक भूल जाएं वो कोई बात नहीं, लेकिन आपने समझनी है। कुरान मजीद जब आप पढ़ेंगे और आपके सामने जुमला फेलिया मुख्तलिफ आएंगे, आज ही बल्कि उसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, तो उसमें आपको हैरानगी होगी कि ये क्या हुआ। तो उस वक्त ये चार बातें जो अब मैं आपको बताने लगा हूं ये आपको मदद देंगी इंशाल्लाह। आप कहेंगे अच्छा अच्छा ये था तो ये है, ठीक। यहां तक मैं फिर उम्मीद, ये से मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि हमारा जुमला फेलिया बस इन दो बातों को याद रखने पर ही मुश्तमिल है, फाइल के एतबार से। अगर आपका फाइल इसमें जाहिर है वाहिद मुजक्कर मोनस के फर्क के साथ, हाँ अगर आपका फाइल जमा मुकसर है गैर आकिल की तो फेल मोनस इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक क्लियर है। चार सूरतें ऐसी हैं अरबी जुबान में, चार सूरतें, कितनी है? चार, एक दो तीन चार, ताकि आदत आपको याद हो जाए। चार सूरतें ऐसी हैं जिनमें आप फेल को मुजक्कर या मोनस दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं ना? चार सूरतों में आप फेल को मुजक्कर या मोनस दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए जायज है। कुरान मजीद में आपको बेशुमार एग्जांपल्स इसकी मिलेंगी, और मैं भी आपको एग्जांपल्स दूंगा तो बात इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। पहली सूरत, आपका फाइल आकिल की जमा मुकसर है तो आप फेल को मुजक्कर भी ला सकते हैं और मोनस भी ला सकते हैं। वही एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, जलसा रजरून वाली, ठीक है? जलसा रजरून, एक आदमी बैठा, जलसा रजुलानी, कोई दो आदमी बैठे, जलसा रिजालुन, कुछ आदमी बैठे। हमारे पढ़े हुए कवायद के मुताबिक जुमला बिल्कुल ठीक है, हमने मुजक्कर के लिए मुजक्कर फेल इस्तेमाल किया। अगर यहां गैर आकिल की जमा मुकसर होती तो हम यहां पर मोनस कर देते, ये दो बातें हम पढ़ चुके हैं। अब ये सूरत है आपकी, अब आपका फाइल गौर करें, किसकी जमा मुकसर है? आकिल की जमा मुकसर है। हमने यही काम करना है, हमने मुजक्कर के लिए मुजक्कर इस्तेमाल करना है, लेकिन गैर आकिल की जमा मुकसर है, लिहाजा हमारे पास पॉसिबिलिटी है जलसत रिजालुन भी ठीक है। बस ये पॉइंट था। कुछ ऊंट बैठे थे, वहां पर आपके लिए जलसा जिमालुन कहना सही नहीं था, वहां आपने जलसत ही कहना था, क्योंकि वो गैर आकिल की जमा मुकसर है। अब ये आपकी आकिल की जमा मुकसर है तो आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आप जलसा रिजालुन भी कह सकते हैं और जलसत रिजालुन भी कह सकते हैं।